जय हिंद बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास सेवन्थ में सब्जेक्ट सोशल साइंस में चैप्टर स्टडी करेंगे। 18 चैप्टर है हमारा, डेमोक्रेसी एंड इक्विलिटी। तो ये शुरू करते हैं चैप्टर को। चैप्टर शुरू करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। तो ये शुरू करते हैं चैप्टर को। ऑन 15 अगस्त 1947, देखिए 15 अगस्त 1947 को इंडिया बिकम एन इंडिपेंडेंट कंट्री, हमारा जो देश था वो आज़ाद हुआ था। एंड एंडेड द फॉरन डोमिनेशन ऑफ नियरली 200 ईयर्स, और हमने जो हमारा ऊपर जो फॉरन मीन बाहरी देश का जो असर था, ब्रिटिश का जो रूल था जो कि लगभग 200 साल चला था, वो ख़त्म हो गया था। देयर वॉज एन अर्जेंट नीड टू फ्रेम अवर ओवन कॉन्स्टिट्यूशन, तो देखिए एक ज़रूरी था उस समय कि हमारा एक अपना संविधान हो जो कि अपनी नीड्स को पूरा करें। तो ये संविधान कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक डॉक्यूमेंट है दैट लेज डाउन द फ्रेमवर्क, जिसमें ये फ्रेमवर्क है भी कौन क्या काम करेगा, किस तरह करेगा, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है भी, पॉलिटिक्स में कौन किसके ऊपर होगा, कौन किसको चुनेगा, पावर्स बताएगा वो डॉक्यूमेंट की, किसकी क्या पावर्स हैं, ड्यूटीज बताएगा गवर्नमेंट की क्या ड्यूटीज है, ताकि इसका मकसद क्या है, टू स्ट्रेंथन द आवर न्यूली बॉर्न फ्रीडम, ताकि हमारी जो आज़ादी मिली है नई नई आज़ादी उसको हम स्ट्रेंथ कर सकें, उसको आज़ादी को बनाए रखें। तो हैंस ए कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम फॉर फ्री इंडिया, तो इसलिए हमारा एक संविधान बनाया गया था जो कि फ्री इंडिया के लिए था। द प्रीमेबल एंड इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट विद द वर्ड, देखिए जो हमारी इसकी इंट्रोडक्शन है वो स्टार्ट होती है वर्ड्स के साथ, जिसमें वर्ड यूज होते हैं फर्टिलिटी, इक्वलिटी, सोलिमिलिटी एंड सोशलिटी, कि हम भाईचारे से रहेंगे, फर्टिलिटी इक्वलिटी सब इक्वल रहेंगे, सोशलिस्ट रहेंगे, तो इस तरह की हमारी ये बातें थी इसमें। तो बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फैक्ट ऑन 26 जनवरी 1950, तो देखिए 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान था वो इफेक्ट में आया था। इट गारंटीज इक्वलिटी टू ऑल द सिटीजन, ये सभी सिटीजन्स को इक्वल रखता है, उनको इक्वल गारंटी देता है हर फील्ड में। एंड थस एस्टैब्लिशेज ए रूल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट इन एवरी स्फीयर, और इसलिए देखिए ये इस बात को एस्टैब्लिश करता है कि जो रूल होगा स्टेट का सभी क्षेत्रों में वो नॉन डिस्क्रिमिनेशन होगा, बिना किसी भेदभाव के होगा, कि सबके साथ इक्वली ट्रीट किया जाएगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी स्फेयर है, कोई भी क्षेत्र है हमारा। तो अवर कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स दैट स्टेट ट्रीट्स ऑल द सिटीजन इक्वल, तो देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या ये बात को इंश्योर करता है, क्या किस बात की तसल्ली देता है कि स्टेट जो है हमारा, राज्य जो है, हमारा इंडिया जो है, वो सभी सिटीजन्स को ट्रीट मीन्स एक सा ही ट्रीट करेगा। एंड अलॉज इक्वलिटी टू ऑफ द स्टेटस, सबको इक्वल स्टेटस देगा, अपॉर्चुनिटी देगा सबको बराबर। इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, जेंडर, कलर, कास्ट, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा, तो इट प्रोहिबिट्स मीन्स ये इनकार करता है डिस्क्रिमिनेशन मीन भेदभाव, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, किस बेसिस पे, रिलीजन बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे, जेंडर मीन्स मैन वुमन के बेसिस पे कोई भेदभाव नहीं करेगा, कलर के बेसिस पे, चाहे किसी का कलर कोई भी हो, स्किन कलर, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, कास्ट उसकी कोई भी कास्ट हो कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, रेस प्रजाति नस्ल या प्लेस ऑफ बर्थ कहीं भी उसका जन्म हुआ हो इंडिया में उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये इंश्योर करता है। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज सेट ऑफ रेगुलेशन दैट ए सेट ऑफ पीपल हैव मेड, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान क्या है, कुछ रेगुलेशन है, कुछ रूल्स है इसमें जो कि सेट किए हैं कुछ लोगों ने, जिन्होंने मेड किया है इसको, कॉन्स्टिट्यूशन को, एंड एग्रीड पॉन, जो कि इस बात को सहमति से मानने भी हैं भी ये बात सही है। इट इज ऑफ्टन ए रिटन डॉक्यूमेंट, ये देखिए एक लिखित में एक डॉक्यूमेंट है। इट लेज डाउन पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, ये देखिए सभी बातें बताता है गवर्नमेंट के क्या फंक्शन होंगे और सरकार की क्या पावर्स होंगी। तो कंट्रीज ऑफ सबजुलेस कास्टनिज्म पॉवर्टी इटलिटरेसी हैड वीकेंड द इंडियन सोसाइटी, तो देखिए सेंचुरीज मीन कई सालों से सबजुलेशन जो है, कास्टिज्म है, जाति प्रथा है, पॉवर्टी गरीबी है, अनपढ़ता है, उसने हमारी जो इंडियन सोसाइटी उसको वीकेंड कर रखा है, कमजोर कर रखा है। अवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्स वांटेड टू रेडिकेट द डिस्क्रिमिनेशन दैट हैज डिवाइडेड द इंडियन सोसाइटी ऑन द लाइन्स ऑफ रिलीजन कास्ट इकोनॉमिक स्टेटस बाय द इंश्योरिंग द अफ्रीफमेंट ऑफ ऑल, तो देखिए बात करते हैं इसमें जो सेंटेंस पढ़ा रहता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेमर उसके फ्रेमर जो उसको फ्रेमर मीन उसको बनाने वाले क्या चाहते थे, क्या वांट करते थे, इरेडिकेट करना, खत्म करना, किसको खत्म करना, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव को, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे फ्रेमर्स थे वो चाहते थे कि इसमें से भेदभाव खत्म हो जाए, जिसने कि डिवाइड कर रखा था इंडियन सोसाइटी को
किस बेस पे? धर्म के बेसिस पे, रिलीजन, कास्ट, जात पात के बेसिस पे, इकोनॉमिक स्टेटस मीन गरीब अमीर के हिसाब से, और इसमें इंश्योर किया जाए, ये बात की तसल्ली की जाए कि अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल मीन सभी के सभी तरक्की करें, स्पेशली खास करके दोज हु हैड बीन एक्सप्लॉइटेड, खास करके वो लोग तरक्की जरूर करें जिनको कि अभी तक दबाया गया था, जिनका की शोषण किया गया था, जिनको कि अभी तक कम चांसेस मिले थे प्रोग्रेस के। तो हेंस द इंडिया हैज ऑप्टेड फॉर द सेकुलरिज्म वेर एवरी वन इज फ्री टू फॉलो द रिलीजन ऑफ वन चॉइस। देखिए इसलिए इंडिया ने कौन सा सिस्टम अपनाया, सेकुलरिज्म, मीन्स धर्म का कोई लेना देना नहीं हमारे इंडिया में, कोई भी आदमी, एवरी वन जो है फ्री है, भी कोई भी रिलीजन मीन्स किसी भी धर्म को अपनी चॉइस के वो मान सकता है। एंड स्टेट डज नॉट हैव ए रिलीजन ऑफ इट्स ओवन, हमारे इंडिया का, हमारे किसी भी राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्स टू एस्टैब्लिश ए सोशल ऑर्डर विच आइडेंटिफाइज ऑफ ए पर्सन इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन। तो देखिए जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एम करता है, उसका ये भी एम है इस्टेब्लिश करना एक सोशल ऑर्डर, क्या कि कहीं किसी भी बंदे को जात पात के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। एंड दैट ही शी फॉलोज और द कास्ट ही बिलोंग्स टू बट इज ऑन द बेसिस ऑफ वट ही शी इज, वट ही शी हैज मेड मेड हिमसेल्फ इन टू। तो देखिए ये आइडेंटिफिकेशन होगी पर्सन की कि किस बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, जब वो क्या फॉलो करता है, किस कास्ट को बिलोंग करता है, या किस बेसिस पे है, और क्या उसका, किसने उसको क्या, किसने कैसे बनाया, तो इस तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। तो देखिए डूजुनो में है ऑन 25 नवंबर 1949, तो 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्पोक इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो देखिए जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे जिन्होंने ये संविधान बनाया था, मेन उनके बॉडी थे इसमें, जिनका बहुत बड़ा रोल था, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या थी, जिसने की संविधान बनाया था उस असेंबली को संबोधित किया था कि इन इंडिया देयर आर कास्टेस, उन्होंने कहा था कि हमारे इंडिया में जात पात है, कास्ट है, कास्टेस आर एंटी नेशनल, जो कास्ट है हमारी जाति पात, जात पात बहुत ज़्यादा जात पात है, ये हमारे नेशन में राष्ट्र के खिलाफ है। इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात में, बिकॉज दे ब्रिंग अबाउट सेपरेशन इन द सोशल लाइफ, तो पहली बात तो ये है कि जात पात जो है हमारी सोशल लाइफ में, सामाजिक लाइफ में डिफरेंस मीन सेपरेशन लेके आती हैं, एक दूसरे को डिवाइड करती हैं। दे आर एंटी नेशनल, वो हमारे राष्ट्र के खिलाफ हैं। एंड ऑल्सो बिकॉज दे जनरेट जेलसी एंड एंटीपैथी बिटवीन द कास्ट एंड कास्ट, वो हर एक जाति के प्रति घृणा पैदा करती हैं, जेलसी, जलन पैदा करती हैं, इसलिए वो एंटी नेशनल है। वट वी मस्ट ओवरकम ऑल दिस डिफिकल्टी, तो हमें इन सब जो डिफिकल्टी, जब मुसीबतें हैं, इनको ओवरकम करना है, ख़त्म करना है, इफ वी विश टू बिकम ए नेशन इन रियलिटी, अगर हम वाकई ही एक अच्छा राष्ट्र बनना चाहते हैं। तो इन क्लास सिक्स वी हैव रीड दैट इन ए डेमोक्रेसी एवरी वन इज इक्वल, कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में हर एक आदमी बराबर है। अवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज ग्रांटेड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, तो हमारे देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया है, हमें क्या प्रोवाइड किया है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स राइट टू वोट टू एवरी वन, हर किसी को अधिकार दिया है वोट करने का, लेकिन कंडीशन क्या है, हु इज अबव 18 ईयर्स ओल्ड, जो कि 18 साल से ऊपर है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के, उसकी कास्ट का, कलर का, रिलीजन मीन धर्म का, रिलीजन मीन एरिया का और लैंग्वेज का। तो मीन्स वन मैन वन वोट भी दिया है, वाज अ मोस्ट कॉर्जिशियस स्टेप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे, जो फ्रेमर्स थे उसके, उन्होंने क्या कहा, वन मैन वन वोट, एक आदमी एक वोट डालेगा, एज मोस्ट इंडियन वर इलिटरेट, क्योंकि काफ़ी सारे इंडियंस हमारे उस पर अनपढ़ थे, पुअर मीन्स गरीब थे एट द टाइम उस समय। तो ये नहीं कि एक आदमी कई लोगों की वोट डालेगा, तो हर आदमी एक वोट डालेगा, उससे ज़्यादा नहीं डालेगा, क्योंकि काफ़ी लोग हमारे गरीब थे और अनपढ़ थे, तो उन ऐसे नहीं थे भी उनकी जगह पर कोई और उसकी वोट डालेगा। तो पीपल ऑफ इंडिया कास्ट देयर वोट्स एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर ए फिक्स्ड पीरियड, तो जो हमारे लोग हैं भारत के, वो कास्ट वोट्स मीन अपनी वोट डालते हैं, और इलेक्ट मीन्स चुनते हैं किसको, किसी रिप्रेजेंटेटिव मीन अपने किसी मनपसंद आदमी को, कैंडिडेट को, एक फिक्स टाइम के लिए। तो दीज रिप्रेजेंटेटिव्स, जो ये रिप्रेजेंटेटिव हम चुनते हैं, रन द गवर्नमेंट्स अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द पीपल, तो ये जो लोग हम चुने जाते हैं आगे वोट डालने पर, ये क्या है, हमारी जरूरत अकॉर्डिंग, हमारी विशेज मीन हमारी इच्छाओं के अकॉर्डिंग सरकार चलाएंगे, जो कि उन्होंने हमसे वादे किए थे। इफ़ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स डू नॉट डू सो, अगर देखिए जो हमने चुना है आदमी या जो नेता, वो काम नहीं करता जो हमसे कहा गया था, पीपल डू नॉट वोट फॉर देम इन द नेक्स्ट इलेक्शन, तो नेक्स्ट इलेक्शन में क्या होगा, उसको लोग वोट नहीं डालते। पीपल ऑल्सो कीप ए क्लोज वॉच ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स टू गार्ड देयर राइट्स,
देखिए साथ के साथ जब कोई आदमी चुना जाता है तो लोग क्या है इस बात का ध्यान रखते हैं वो क्या एक्टिविटीज कर रहा है रिप्रेजेंटेटिव जो चुना था कि वो उनके जो राइट्स को उनको गार्ड करता है सेफ करता है एज ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हमें दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। देखिए पिक्चर में एक जंग वूमेन दिखा रखी है कास्टिंग वोट वोट डालते हुए, तो लुक एट द कार्टून, देखिए कार्टून दिखा रखा है साइड में राइट साइड में, लुक एट द कार्टून, कार्टून को देखिए, द पॉलिटिशियंस मेक प्रॉमिस टू ल्यूर द वोटर्स। तो देखिए जो पॉलिटिशियन नेता लोग होते हैं वो क्या करते हैं अपने वोटर्स को प्रॉमिस करते हैं लालच देने के लिए, ल्यूर देने के, लालच देने के लिए, बट द वोटर इज कॉन्फिडेंट ऑफ द पावर ऑफ हिज वोट। लेकिन इस कार्टून में क्या दिखा रखा है जो वोटर है वो कॉन्फिडेंट है, उसको इतना पूरा भरोसा है अपने आप के कि मेरी वोट की पावर क्या है। तो इलेक्शन आर बेसिस बेसिस ऑफ इक्वलिटी, तो इलेक्शन में क्या है सबको इक्वल है। मैनी पोलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, इलेक्शन में कई पोलिटिकल पार्टीज अपना जो भाग लेती हैं। तो देखिए कार्टून की बात करते हैं, ये जो नेता है वो क्या कह रहा है, मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वादे हैं, लेकिन जो वोटर है वो कहता है मेरे पास वोट है, तो उसको वो उल्टा टांग देता है, मीन्स उसको पता है वोट की पावर क्या है। तो देखिए इसमें बताई गई थी भी सभी पार्टीज जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो पार्टिसिपेट करती हैं, ईच पॉलिटिकल पार्टी इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप हैविंग इट्स ओन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। तो हर एक जो पार्टी है, जो राजनीतिक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे कोई भी है, वो एक ऑर्गेनाइज ग्रुप है, उनका एक ग्रुप है, उनकी एक पार्टी है जिसकी अपने कुछ पॉलिसीज है, रूल्स हैं, कुछ अपने प्रोग्राम्स हैं, एंड पार्टी कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड एंड सपोर्टेड विद द मैन पावर एंड फाइनेंस बाय द पोलिटिकल पार्टीज। और सभी पार्टीज अपने कैंडिडेट्स को जो उनको उनके नेता होते हैं उनको खड़ा करती है, उनको सपोर्ट करती है मैन पावर के साथ और फाइनेंस पैसे के साथ, हैविंग ए डेफिनेट प्रोग्राम, और एक डेफिनेट प्रोग्राम देती है जनरल जनरल पब्लिक को जो कि उसके साथ फैमिलियर है। तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं जो हैव टू कैंपेन ऑन देयर ओवन, देखिए लेकिन जो कुछ होते हैं इंडिपेंडेंट, किसी पार्टी के कैंडिडेट नहीं, नेता होना बनना चाहते हैं, जो कुछ भी बनना चाहते हैं वो जो भी करते हैं अपना कैंपेन, मीन्स अपना जो वोट के लिए अपील करेंगे वोटर्स को, अपने खर्चे पे करेंगे, अपने बल पे करेंगे, लेकिन जो पार्टी के कैंडिडेट्स होंगे उनको पार्टी हेल्प करेगी। हैंस इट इज नॉट एन ईजी टास्क फॉर द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, इसलिए ये आसान नहीं है किसी इंडिपेंडेंट मीन आजाद कैंडिडेट को, आजाद कैंडिडेट मीन जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता लेकिन इलेक्शन में खड़ा होता है, तो उसको सब कुछ आप करना पड़ेगा। तो देखिए ब्रैकेट में बता रखे पर्सन हु डज नॉट बिलोंग टू ए पोलिटिकल पार्टी, ऐसा आदमी जिस जो किसी भी पार्टी को बिलोंग नहीं करता, संबंध नहीं रखता, उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। तो देखिए इसमें है, डू यू नो इन इंडियन डेमोक्रेसी व्हेन ए सिंगल मेजोरिटी पार्टी कैन नॉट फॉर्म द गवर्नमेंट, अगर मान लीजिए एक पार्टी मेजोरिटी नहीं मिल पाती, मेजोरिटी मीन ज्यादा वोटें नहीं ले पाती, सम पोलिटिकल पार्टीज ज्वाइन हैंड्स टू फॉर्म ए गवर्नमेंट, तो मान लीजिए दो पार्टी के बीच में कंपटीशन था, दोनों के दोनों को अच्छा बहुमत नहीं मिला, 50% से ज्यादा सीट्स नहीं मिली, तो क्या है दोनों मिलकर क्या है हो सकता है दो मिलकर वोट अपनी गवर्नमेंट बनाने, इसको कहते हैं कोलिएशन ऑफ गवर्नमेंट, मीन्स इकट्ठी करके गवर्नमेंट बनानी। तो इन इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम जो है, कई प्रकार की पार्टीज हैं, पार्टी है या कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टीज है दैट गेट्स मेजोरिटी, जो कि मिलकर मेजोरिटी साबित करती है और फॉर्म करती है गवर्नमेंट्स को, सरकार को। द इलेक्टेड लीडर्स ऑफ द पार्टी ऑफ पर्सन हुम द कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टी सपोर्ट्स बिकम द प्राइम मिनिस्टर। तो देखिए जो इलेक्टेड जो लीडर्स थे पार्टी के या पर्सन के, मीन जिस पार्टी को चुना गया था उस पार्टी ने, जब वो पार्टी मिलकर सपोर्ट करती है और क्या है अपने में से प्रधानमंत्री बनाती है प्राइम मिनिस्टर, ये पार्टी और कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टीज, एक ये पार्टी है या कई कई पार्टीज का ग्रुप है दैट फेल्स टू गेट मेजोरिटी, जिसको मेजोरिटी नहीं मिलता, मीन ज्यादा सीट्स नहीं मिलती इलेक्शन में, परफॉर्म्स अ रोल ऑफ ऑपोजिशन, वो क्या है ऑपोजिशन का रोल करेगी, मीन्स वहां पे पार्लियामेंट में बैठेगी लेकिन ऑपोजिशन मीन्स हारी हुई पार्टी होगी, लेकिन वो कंट्रोल करेगी रूलिंग पार्टी के ऊपर। इट कीप्स ए चेक ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द रूलिंग पार्टी, तो ये रूलिंग पार्टी में जो राज में आ गई, जिसने बहुमत साबित किया था पार्टी ने, मीन जो पार्टी जो जीत गई थी उसके ऊपर ध्यान रखेगी वो क्या काम करती क्या नहीं करती, एंड प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ द पीपल, और लोगों के राइट्स का ध्यान रखेगी, मीन्स दो ही बातें होंगी, पार्टी जो जीतेगी वो अपना वहां पे काम सरकार बनाएगी, और जो नहीं जीतेगी वो ऑपोजिशन के तौर पे काम करेगी, जो उनको अपोज करेगी, उनको उनका विरोध करने वाली पार्टी। बिफोर इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले सम सेक्शंस ऑफ द अवर सोसाइटी सफर्ड फ्रॉम द इकोनॉमिकल एंड सोशल बैकवर्डनेस, देखिए आजादी से पहले कुछ सेक्शन क्या थे, कुछ हमारे क्षेत्र में हमारी समाज में ऐसे लोग थे जो कि इकोनॉमिक मीन पैसे वाइज और सोशल सामाजिक वाइज बहुत पीछे थे, पिछड़े हुए थे, बैकवर्ड थे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मेड स्पेशल प्रोविजन फॉर देम टू सो दैट एवरी वन कैन लीव ए लाइफ ऑफ डिग्निटी,
तो देखिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने ऐसे फ्री इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आजाद भारत के संविधान ने उनको कुछ स्पेशल प्रोविजन मीन्स कुछ ऐसे उनके लिए बंदोबस्त किए ताकि एवरीवन हर एक आदमी एक अच्छी लाइफ जी सके डिग्निटी की मान सम्मान की एंड इक्वलिटी को और एक इक्वल सभी फील्ड्स में चीजें। इट हैज इंटरेस्टेड द गवर्नमेंट विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइडिंग सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इक्वलिटी टू ऑल। तो देखिए इससे क्या है, इट इंटरेस्टेड कर दिया गवर्नमेंट को क्या है कि गवर्नमेंट जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबको सोशल मीन्स सामाजिक तौर पर इकोनॉमिक मीन पैसे वाइज पॉलिटिकल वाइज राजनीति वाइज इक्वल देना है सबको और नेसेसरी कंडीशन यानी जरूरी कंडीशन फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी ताकि जो हमारा लोकतंत्र है वो अच्छी तरह से सक्सेसफुली काम कर सके। तो देखिए एज यू नो प्रीमियबल ग्रांट्स अस द इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो देखिए प्रीमियबल जो है ये हमें क्या देता है, इक्वलिटी मीन बराबरी देता है स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी मीन्स मौके की। अवर कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो गिव्स अ राइट टू इक्वलिटी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि हम सब इक्वल हैं किस फील्ड में, ये राइट्स किस फील्ड में है, ऑल द सिटीजन इक्वल फॉर द लॉ। सभी के सभी सिटीजन जो है हमारे इंडिया में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए लॉ बराबर है सबके लिए। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, किसी के साथ धर्म के बेसिस पे कोई भेदभाव नहीं होगा, ना किसी कास्ट जात पात के बेस पे, ना जेंडर मीन मेल फीमेल के बेस पे, जहाँ प्लेस ऑफ बर्थ मीन जन्म स्थान के बेस पे कोई भेदभाव होगा। एवरीवन इज इंटेलिटेड टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन ऑल द वॉक्स ऑफ लाइफ। तो हर किसी को क्या है, बराबर मौके हैं लाइफ के सभी फील्ड्स में भी, सबको बराबर मौके मिलेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। डी क्या है, द लॉ गिव्स इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल। तो कानून जो है सबको सुरक्षित करेगा, किसी पर्टिकुलर को नहीं, सबके लिए एक है, सबकी रक्षा करना कानून का काम है। व्हाट डज एवरीवन एंजॉय इक्वलिटी इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ इवन आफ्टर नियरली 70 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए हर कोई एंजॉय कर रहा है इक्वल, हर क्षेत्र में इक्वलिटी मिल रही है उसको लाइफ के, इवन आफ्टर नियरली हमें जबकि 70 साल हो गए आजाद हुए हुए। अनफॉर्चुनेटली द आंसर इज नो। तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया था क्या 70 साल होने के बाद भी हमारे इंडिपेंडेंस के क्या सभी को सब मौके बराबर मिल रहे हैं सभी फील्ड्स में, तो देखिए इसका आंसर क्या है, अनफॉर्चुनेटली नहीं। इट इज क्वाइट कॉमन टू सी थाउजेंड ऑफ पीपल, ये देखिए आम देखा गया है कि थाउजेंड ऑफ पीपल क्या है, स्ट्रगलिंग फॉर इक्वलिटी, बराबरी के लिए लड़ रहे हैं, उनको बराबर मौके दिए जाते। तो देखिए डू यू नो में है, अवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बैंड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी एंड अवॉर्डिंग ऑफ टाइटल्स। देखिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में क्या है, बैन किया है प्रैक्टिस किसकी, अछूत करने की, किसी को कहते भी तुम छोटी जाति को तुम्हें छूना नहीं, इस चीज़ों को बैन कर रखा है हमारे संविधान ने। और हमारे संविधान में कोई किसी को गलत तरीके से बोल नहीं सकता, किसी गलत तरीके से कोई गलत टाइटल से, जैसे कि लाइक राज बहादुर ऑफ खान और खान बहादुर एज दे क्रिएटेड डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी। किसी को ना राज बहादुर कहेंगे ना खान बहादुर कहेंगे, इस तरह से किसी को नाम लेना टाइटल देना, तो देखो कि ये क्या क्रिएट कर